नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, मैं आपका स्वागत करता हूँ सुबोध जाधव इंग्लिश सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का दूसरा लेसन ऑन सेइंग प्लीज। बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट लेसन है हमारी ज़िंदगी के लिए कि कैसे प्लीज़ एक वर्ड है या थैंक यू जैसे वर्ड्स है वो कितने ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, हमारे अच्छे बर्ताव के लिए, तो ये हम इसमें सीख सकेंगे। तो ये जो लेसन है इसको लिखा है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर। उनका जो बर्थ हुआ था 1865 में और वो डाइड हुए 1946 में। तो अभी थोड़ी बायोग्राफी दी है वो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। ध्यान दीजिए, ही वॉज बोर्न एट शेमफोर्ड इन एसेक्स इन 1865। शेमफोर्ड में उनका जन्म हुआ 1865 में। ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज अ जर्नलिस्ट। उन्होंने अपना करियर शुरू किया एज अ जर्नलिस्ट के तौर पर, उन्होंने अपना करियर शुरू किया। एट द एज ऑफ 37 ही वॉज अपॉइंटेड एडिटर ऑफ द डेली न्यूज लंडन। जब वो 37 साल के हुए तब उनको डेली न्यूज़ के लिए एज अ एडिटर अपॉइंट किया गया। डेली न्यूज़ जो कि लंडन में था उसके लिए उनको एडिटर के तौर पर वो नियुक्त हुए। अंडर द पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लग, और उन्होंने जो कुछ भी राइट किया है वो एक पेन नेम, जिसे हम क्या कहेंगे टोपन नाम के तरफ दूसरा नाम यूज़ करके उन्होंने सब कुछ लिखा है। तो क्या नाम यूज़ किया उन्होंने, अल्फा ऑफ द प्लग, इस नाम से उन्होंने अपना सब कुछ लिटरेचर लिखा हुआ है। ही मेड रेगुलर कंट्रीब्यूशन टू द डेली न्यूज़ द मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज़ एक्सेट्रा। उन्होंने अपना जो राइटिंग है उन्होंने दूसरे न्यूज़पेपर के लिए भी उन्होंने लिखा, उसमें से डेली न्यूज़ तो वो एडिटर थे, उसके बाद द मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज़ इसके लिए भी उन्होंने कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और वहाँ पे भी उन्होंने कुछ लिखा हुआ है उनके लिए, उस पेपर के लिए भी उन्होंने कुछ तो भी लिखा है। हिज एसेज आर यूनिफॉर्मली एलिगेंट ग्रेसफुल एंड ह्यूमरस। उनके जो एसेज है वो बहुत पॉपुलर है और वो बहुत एलिगेंट ग्रेसफुल और ह्यूमरस ऐसे एसेज उन्होंने लिखे हुए हैं। उनके जो एसेज है वो एलिगेंट ग्रेसफुल और ह्यूमरस है। विनोद उसमें आप विनोद देखेंगे और एक रुचि आपको क्रिएट करेगी और सुंदर ऐसे सब्जेक्ट उन्होंने अपने एसे के थ्रू हैंडल किए हुए हैं। द पिलर्स ऑफ सोसाइटी पेबल्स ऑन द शोर मेनी फेरोज एंड लीव्स इन द वर्ल्ड आर सम ऑफ हिज बेस्ट नोन राइटिंग। उस कुछ बुक्स उनके दिए हुए हैं, कुछ एसेज उनके दिए हुए हैं, वो बहुत फेमस है। तो उसमें से द पिलर्स ऑफ सोसाइटी है, ये एक फेमस वन उनका राइटिंग है। उसके बाद पेबल्स ऑन द शोर, ये भी कुछ वैसे ही फेमस राइटिंग है उनका, और मेनी फेरोज एंड लीव्स इन द विंड। हिज यूनिकनेस लाइज इन हिज एबिलिटी टू टीच द बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ इन एन ईजी एंड अम्यूजिंग मैनर। उनका यूनिकनेस जो है उनके राइटिंग का वो क्या है, टू एबिलिटी टू टीच द बेसिक ट्रूथ। वो अपने लिखान से जो कुछ भी वो लिखते हैं उससे उन्होंने एक बेसिक ट्रूथ बताया है अपने ज़िंदगी का, अपने लाइफ का, विथ ईजी एंड अम्यूजिंग मैनर, बहुत ही सरलता से और एक एंटरटेनिंग वे से उन्होंने जीवन का सार, जीवन का, लाइफ का ट्रुथ हमें बताया हुआ है। ही रेज द क्वेश्चन ऑफ मॉरलिटी इन एवरीडेज लाइफ। उन्होंने कुछ क्वेश्चन भी उन्होंने रेज किए हैं किसके लिए, मॉरलिटी ऑफ लाइफ के लिए। इन वन इन ऑन सेइंग प्लीज he points out the value of good manner in society social life and emphasizes the importance of courtesy and politeness in daily behavior. He raised the question of morality in everyday life. उन्होंने अपने writing में morality, जैसे नैतिकता, morality means नैतिकता पे सवाल भी उठाए हैं। और आगे हम देखेंगे next stanza में जो हमने मैं read कर चुका हूँ, फिर भी understand करो। In on saying please, he points out, in इस lesson में उन्होंने क्या point out किया है, the value of good manner, अच्छा बर्ताव पे उन्होंने focus किया है। कहाँ पे, in social life, समाज में जब आप जीते हैं सामाजिक जीवन में good manner का क्या importance है उस पे उन्होंने stress दिया है, उसके बारे में उसने point out किया है। And emphasize the importance of courtesy, और उसके साथ साथ उन्होंने courtesy पर भी emphasize किया हुआ है। कर्टसी का मतलब होता है शिष्टाचार, उन्होंने इस लेसन में शिष्टाचार पर भी फोकस किया है, उस पर भी उन्होंने स्ट्रेस दिया है।
एंड पोलाइटनेस इन डेली बिहेवियर, और आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पोलाइटनेस विनम्रता होनी चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पे फोकस इस लेसन में फोकस किया है। ही शोज हाउ पोलाइट स्पीच एंड मैनर स्वीटन द एटमोस्फेयर, और उन्होंने इस लेसन के थ्रू बताया है कि पोलाइट स्पीच, जो नम्र ऐसे स्पीच रहते हैं, अच्छी अच्छा तौर तरीके से बात करना और अच्छे तरह से बर्ताव करना, हाउ इट्स स्वीटन द एटमोस्फेयर, इससे जो एटमोस्फेयर है वो कितना खूबसूरत और कितना अच्छा हो जाता है, अराउंड आपके आजू बाजू का जो एटमोस्फेयर है वो कितना खुल जाता है या बहुत अच्छा सा हो जाता है, और एंड हाउ डिसकर्टेसी एंड इन इल मैनर्स स्पॉइल एंड पोल्यूटेड, और उसकी तरह जो शिष्टाचार का पालन नहीं करते हैं या फिर अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं उनके वजह से कैसे हमारे आजू बाजू का जो वातावरण है वो कैसे पोल्यूट और ख़राब हो जाता है, स्पॉइल मीन्स ख़राब हो जाता है, कैसे बिगड़ जाता है, ये हम इस लेसन से, इस चैप्टर से हम पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे आज ऑन सेइंग प्लीज। On Saying Please, a lesson which was written by A.G. Gardner, Alfred G. Gardner, इन्होंने वो lesson लिखा है। तो चलो शुरू करते हैं, let us understand what is there. Firstly, I will read the lines and I will explain simultaneously. पहले read करूँगा और फिर आपको simultaneously उसका explanation भी मैं हिंदी में दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। The young lift man in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. सुबह सुबह क्या होता है कि जो लिफ्ट मैन है, एक सिटी ऑफिस में काम करने वाला एक लिफ्ट मैन ने क्या किया, एक पैसेंजर को एक पैसेंजर जो लिफ्ट में जाने वाला एक पैसेंजर है उसको लिफ्ट से क्या कर दिया, तो बाहर फेंक दिया, और उसके लिए उसे वो ही वॉज फाइन फॉर द ऑफेंस, और उसे जुर्माना भी देना पड़ा, एंड इट वॉज अनडाउटेबली इन द रॉन्ग, और जो उसे जुर्माना देना पड़ रहा है वो डेफिनेटली कैसा है, कुछ तो भी रॉन्ग है, वो अच्छा और उसे हम क्या कह सकते हैं, जायज वो जुर्माना नहीं। तो क्यों नहीं है ये सब हम साइमल्टेनियसली आपको समझ में आ जाएगा। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज, क्यों हुआ ये सब, सिर्फ एक वर्ड प्लीज वर्ड की वजह से ये सब एटमोस्फेयर और ये सब एक्ट वहाँ पे हुआ है। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज, ये सिर्फ प्लीज वर्ड की वजह से हुआ है। द कंप्लेनेंट इंटरिंग द लिफ्ट, जो जिसने कंप्लेंट किया वो पैसेंजर, जब वो इंटर हुआ किसमें, लिफ्ट में, तो वो आने के बाद उसने कहा टॉप, ही सेड टॉप, तो जो पैसेंजर है जो कंप्लेनेंट है उसने कहा टॉप, ऊपर ले चलो। द लिफ्ट मैन डिमांडेड टॉप प्लीज, और जो लिफ्ट मैन है जो लिफ्ट चलाता है उसने कहा कि आप क्या कहो, टॉप के साथ प्लीज वर्ड का भी आप इस्तेमाल करो, आप टॉप प्लीज कहिए। एंड दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज्ड ही नॉट ओनली डिक्लाइन टू कॉम्प्ली विद द इंस्ट्रक्शन बट हर्ल द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट, बट जो पैसेंजर है उसने उसके डिमांड को उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया, इसकी वजह से क्या हो गया, जो इंस्ट्रक्शंस लिफ्ट मैन ने दिए थे उसको उसने रिजेक्ट कर दिया उस पैसेंजर ने, तो उसके लिए क्या हो गया, तो लिफ्ट मैन ने उस पैसेंजर को क्या कर दिया, लिफ्ट के बाहर फेंक दिया। दिस ऑफ कोर्स वॉज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर टू फॉर, और ये जो उसने पैसेंजर को वहाँ से बाहर फेंक दिया ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, मैनर टू फॉर, उसका जो मैनर है उसका जो बर्ताव था वो कुछ तो भी ज़्यादा है, कि किसी को भी किसी पैसेंजर और किसी इंसान को ऐसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए था, ये थोड़ा सा ज़्यादा उस लिफ्ट मैन ने कर दिया था। डिसकर्टेसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी, अभी दोनों के मतलब दिए है, देखिए डिसकर्टसी मीन्स रूडनेस, लैक ऑफ कर्टसी, असॉल्ट एंड बैटरी मीन्स एन अटैक विच इंक्लूड नॉट ओनली थ्रेट्स बट ऑल्सो द एक्चुअल यूज ऑफ वायलेंस, अभी डिसकर्टसी रूडनेस, रूड बिहेव करना मीन्स बदतमीजी करना, ये कोई लीगल ऑफेंस नहीं है, एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी, और इसकी वजह से आप क्या कर नहीं सकते कुछ, हाथापाई, असॉल्ट एंड बैटरी को हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे, सिर्फ बातों से नहीं तो हाथों से भी आप फाइट नहीं कर सकते किसी के बदतमीजी के लिए, क्योंकि ये एक लीगल ऑफेंस नहीं है, इट मीन्स दैट लीगली कायदे से हम उसे गुनाह नहीं कह सकते या
उसे हम ऑफेंस नहीं कह सकते, इसलिए हाथापाई करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कर नहीं सकते। इफ़ अ बर्गलर, बर्गलर मीन्स चोर, थीफ, इफ़ अ बर्गलर ब्रेक्स इनटू माय हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन, द लॉ विल अक्वाइट मी एंड इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट विथ रीजनेबल वायलेंस। अगर कोई बर्गलर है जो घर फोड़ता है, उसने मेरे घर को फोड़ा एंड आई नॉक हिम डाउन और मैंने उसे पकड़ के नीचे लाया, ओके, द लॉ विल अक्वाइट मी, जो लॉ है, जो कायदा है, वो मुझे क्या करेगा, अक्वाइट करेगा, मुझे दोषी साबित नहीं करेगा। एंड इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड, अगर उस उस चोर ने मेरे साथ कोई फिजिकल असॉल्ट किया, उसने मुझे फिजिकली कुछ टच किया, तो इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट विथ रीजनेबल वायलेंस, तो मुझे कायदे से परमिशन मिलती है कि मैं उसका जवाब दे सकूँ। अगर वो चोर कोई फिजिकली वीकेस वायलेंस करता है, तो आपको, आप क्या कर सकते हैं, उसके उसको रिटेलिएट कर सकते हैं, आप उसके साथ भी फिजिकली उसका भी आप फिजिकली असॉल्ट कर सकते हैं, उसके साथ आप फिजिकली फाइट कर सकते हैं। तो ये लॉ के हिसाब से जायज़ है। इट डज दिस बिकॉज द बर्गलर एंड माय असिलियंट हैव ब्रोकन क्वाइट डेफिनाइट कमांड ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है कि इट डज दिस बिकॉज द बर्गलर एंड माई असैलियंट, असैलियंट मीन्स अटैगर, या फिर बर्गलर जो घर तोड़ता है या चोरी करता है घर में, उसने क्या किया है, हैव ब्रोकन क्वाइट डेफिनेट कमांड्स ऑफ लॉ, कुछ उसने क्या किए है, तो लॉ के कुछ कमांड से उसे उन्होंने तोड़ा है। बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर, मगर ऐसा कोई भी लीगल लॉ नहीं है जो क्या है, तो बैड मैनर के अगेंस्ट आप ये सब कुछ कर सकोगे, और कुड सैंक्शन द यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट समथिंग विच इट डज नॉट इट्सेल्फ रिकॉग्नाइज एज ए लीगली पनिशेबल ऑफेंस। इसका मतलब ऐसा होता है कि नो लीगल सिस्टम, ऐसी कोई भी लीगल सिस्टम नहीं है जो बैड मैनर के लिए कोई भी लेजिस्लेट, कोई भी कानून बनाए, और दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे तो कोई भी ऐसा कानून नहीं है बैड मैनर के लिए, और कुड सैंक्शन द यूज़ ऑफ वायलेंस, और उस कानून के तहत आप वायलेंस करने के लिए आपको अलाउ नहीं किया गया है। वायलेंस मीन्स एक्शन और फीलिंग दैट कॉज डैमेज अनरेस्ट, आप क्या कर नहीं सकते, तो आपको वायलेंस करने के लिए आप उसके तहत वायलेंस नहीं कर सकते। अगेंस्ट समथिंग, किसके अगेंस्ट, विच इट डज नॉट इट सेल्फ रिकग्नाइज लीगली पनिशेबल ऑफेंस, क्योंकि ये जो बैड मैनर है वो कोई लीगली पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, तो उसके लिए आप कोई भी वायलेंस नहीं कर सकते। मगर बर्गलर है, अटैकर है, उसको आप रिटेलिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो लीगली पनिश लीगली ऑफेंस है, लीगल ऑफेंस है, उसके लिए लॉ बने हुए हैं, इसके लिए आप उसे रिटेलिएट कर सकते हैं। अगर वी कैन से दैट बर्गलर और असेलिएंट आप पे अटैक करते हैं, तो मगर बैड मैनर के लिए आप क्या कर नहीं सकते, वायलेंस कर नहीं सकते, आप कोई भी अटैक, कोई किसी भी तरह का अटैक उसके साथ नहीं कर सकते। एंड आवर सिंपैथी विद द लिफ्ट मैन, वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज रीजनेबल, और जो हमारी लिफ्ट मैन के प्रति जो सिंपैथी है, सिंपैथी मीन सहानुभूति है, उससे हम ये कह सकते हैं कि हम उसकी वजह से हमें एडमिट करना चाहिए, वी मस्ट एडमिट दैट, हमने एडमिट करना चाहिए कि द लॉ इज़ रीजनेबल, लॉ जो है वो सबके लिए एक समान है, किसी के लिए वो ऊपर नीचे नहीं है। सब, अगर आप देखेंगे कोई भी इंसान हो आपके देश का, तो सबके लिए कानून कैसे रहते हैं, एक समान रहते हैं। इट वुड नेवर डू इफ वी वर एट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स ईयर बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर और द टोन ऑफ देयर वॉइसेस और द स्क्रॉल ऑन देयर फेसेस। टू बॉक्स मीन्स फाइट विद द फिस्ट, घुसा मारना। अगर ऐसा हो गया, इट वुड नेवर डू इफ वी वर एट लिबर्टी, अगर हमें लिबर्टी मिल गई, किस लिए, लोगों को घुसा मारने की, बिकॉज वी डिड नॉट लाइक, क्यों हम उन्हें गुस्से मारेंगे, क्योंकि हमें उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, या फिर उनके बोलने की आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगी, या फिर उनका जो एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन जो उन्होंने बनाया है,
अलग अलग तरह के, अगर वो हमें पसंद नहीं है और अगर हमें उनको इस वजह से घुसा मारने की परमिशन मिल गई, लिबर्टी मिल गई, तो क्या होगा? आवर फिस्ट वुड नेवर बी इडल, हमारा जो गुस्सा है, फिस्ट जो है वो कभी भी इडल नहीं रहेगा। इसका मतलब कि हम कंटिन्यूसली लोगों को मारते ही रहेंगे। एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विद ब्लड ऑल डे, और जो हमारे सिटी का जो गटर है उसमें रोज क्या बहता रहेगा, खून बहता रहेगा। इसका मतलब यह है कि झगड़े ज़्यादा बढ़ते रहेंगे अगर बैड मैनर के लिए भी कानून बनाए गए तो। चलिए नेक्स्ट का पैसेज अंडरस्टैंड करते हैं। I may be as uncivil as I may please and the law will protect me against violent retaliation. मैं एक असभ्य हो सकता हूँ, उसे हम क्या कहेंगे, बदतमीज हो सकता हूँ। अनसिविल मीन्स असभ्य, अशिष्ट, जिसे रहन सहन की सोच नहीं, समझ नहीं, उसे हम अनसिविल कहेंगे। तो मैं असभ्य हो सकता हूँ और जो लॉ है विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन, मगर उसके साथ मुझे लॉ क्या करता है तो प्रोटेक्ट करता है कि जो वायलेंट मेरे साथ हो रहा है तो मैं उसे रिटेलिएट कर सकूँ, उसका मैं जवाब दे सकूँ। आई मे बी हॉटी, हॉटी का मतलब दिया है देखो, हैविंग अ हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, जिसे हम घमंड कह सकेंगे। आई मे बी हॉटी, मैं घमंडी हो सकता हूँ, और बोरिश, बोरिश का मतलब है रूड, अनकल्चर, मैं घमंडी हो सकता हूँ, रूड हो सकता हूँ। एंड देर इज़ नो पेनल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बीइंग रिटन डाउन एन इल मैनर फेलो, इसके लिए मुझे कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ मेरे बारे में लिखा जाएगा कि ये इल मैनर फेलो है, जिसे रहने की बोलने की तमीज़ नहीं है, बदतमीज़ ऐसा है, फेलो है, इंसान है, इतना ही मेरे लिए लिखा जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं। द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज और टू अट्यून माई वॉइस टू अदर्स पीपल्स सेंसिबिलिटी एनी मोर, दैट इट सेज दैट आई शॉल नॉट वैक्स माई मस्टैच और डाई माई हेयर और वेयर रिंगलेट्स डाउन माई बैक। ये जो लॉ है, डज नॉट कंपेल, कंपेल मीन्स फोर्स करना, लॉ मुझे फोर्स नहीं कर सकता, किस लिए, कि प्लीज़ वर्ड बोलने के लिए लॉ मुझे फोर्स नहीं कर सकता उसके साथ, और ना ही अट्यून माई वॉइस टू अदर्स पीपल सेंसिबिलिटी, और जो दूसरे लोग हैं उनके साथ अपनी ट्यून मैच करने के लिए, उनके हामे हाँ मिलाने के लिए भी मुझे लॉ फोर्स नहीं कर सकता एनी मोर देन इट सेज दैट, और उसके साथ वो मुझे ये भी नहीं कह सकते कि आई शुड नॉट वैक्स माई मस्टैच, मैंने मस्टैच नहीं रखनी चाहिए, इसका मतलब मैंने क्लीन शेव करनी चाहिए, इसके लिए वो मुझे फोर्स नहीं कर सकते, और डाई माई हेयर्स, और मैंने मेरे हेयर्स को कलर करना चाहिए, या फिर कुछ रिंगलेट मेरे बैक साइड में रखने चाहिए, रिंगलेट मीन्स लट जिसे हम कहेंगे, उसके लिए भी कोई भी लॉ मुझे फोर्स नहीं कर सकता, कोई भी मुझे कंपेल नहीं कर सकता। इट डज नॉट रिकग्नाइज द लैसरेशन ऑफ आवर फीलिंग एज अ केस ऑफ कॉम्पनसेशन, लैसरेशन मीन्स टू अ कट और टीयर, लैसरेशन का मतलब है कट और टीयर, इस अगर किसी की वजह से आपका अगर फीलिंग्स में कुछ हर्ट हो गया है तो इसके लिए आपको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, कॉम्पनसेशन मीन्स हर्जाना जिसे हम कहेंगे, आपको कोई भी हर्जाना नहीं मिलेगा अगर आपका फीलिंग्स भी दुख गई और उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो। देर इज़ नो अलाउंस फॉर मॉरल और इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दिस मैटर, आपको कोई भी किसी भी तरह का अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल और इंटेलेक्चुअल डैमेज के हिसाब से आपको कोई भी हर्जाना नहीं मिलने वाला है। थर्ड पैराग्राफ हम अंडरस्टैंड करेंगे अभी। दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेज आर निग्लिजिबल, इसका मतलब ये नहीं है कि जो डैमेजेस है वो निग्लिजिबल है, उनका कोई महत्व ही नहीं है। इट इज़ प्रोबेबली दैट द लिफ्ट मैन वॉज मच मोर एक्यूटली हर्ट by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins for which he could have got a legal redress. यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि it is probably that the lift man was much more acutely hurt. यहाँ पे जो lift man है वो बहुत hurt हुआ था, उसे बहुत दर्द हुआ उस चीज़ का कि जिस तरह उसको उस पैसेंजर ने ट्रीट किया, बिकॉज लिफ्टमैन सोचता है कि
what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on his shine. उसे ऐसा लगता है कि उसे उस पैसेंजर ने ऐसे ट्रीट किया क्योंकि उस पैसेंजर को लगता है कि लिफ्ट मैन का यही सोशल स्टैंडिंग है, उसकी यही इज्जत है इस उस जगह पे, इसलिए लिफ्ट मैन को लगता है कि उसको ये जो है उसका एक कलंक है उसके लिए. स्लर मीन्स कलंक, उसकी उस सोशल स्टैंडिंग जो है वहाँ पे लिफ्ट मैन की, वो उसके लिए वो कलंक बन चुका है. दैन ही वुड हैव बीन इफ ही हैड अ किक ऑन द शाइन. उसे लगता है कि इसकी जो उसको जो हार्ट हुआ, उसको जो उसकी जो बदनामी, उसको जो कलंक वहाँ से मिला, इससे अच्छा है कि उसे कोई उसके पैरों पे शाइन, शाइन मीन्स घुटनों के नीचे कोई उसे किक करता, हिट करता, तो फॉर विच ही कुड हैव गॉट अ लीगल रिड्रेसल. तो उसमें कुछ चांसेस थे कि उसे कुछ लीगल हर्जाना मिल सके, क्योंकि उस इंसल्ट का उस लिफ्ट मैन को कुछ भी हर्जाना मिलने वाला नहीं. मगर अगर उसे कोई हिट करता है उसके घुटनों के नीचे, तो डेफिनेटली उसे कुछ तो भी लीगल हर्जाना उसका मिल जाता था. द पेन ऑफ अ किक ऑन द शाइन सून पास्ड अवे, बट द पेन ऑफ अ वाउंड टू आवर सेल्फ रिस्पेक्ट और आवर वैनिटी में पॉइजन होल डे. अभी वो कहता है कि अब हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जो किक, उसको जो पनिशमेंट, उसको जो किक मारी जाएगी, उसको जो हिट किया जाएगा उसकी शाइन्स पे घुटनों के नीचे, ये जो है ये दर्द जल्दी से ठीक हो जाएगा. मगर बट द पेन ऑफ अ वाउंड, मगर जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का जो वाउंड है, उसका जो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी जो प्राइड है, उसका वो जल्दी से क्या नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो जहर है वो पूरे दिन तक चलने वाला है. I can imagine that liftman denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift. मैं समझ सकता हूँ कि अगर liftman ने उसे deny means उसे उस passenger को अगर उसने lift के बाहर नहीं फेंका होता तो brooding over means anxiously or sadly thing. वो पूरे दिन भर the insult by an hour and visiting his wife in the evening as the only way to restoring his equilibrium. तो वो पूरे दिन उस बोझ को साथ में लेके घूमता, उस इंसल्ट को साथ में लेके घूमता, और वो पूरा दिन उसका खराब हो जाता. And visiting his wife in the evening as the only way to restoring his equilibrium. और वो जब घर को जाता शाम को at evening, तो उस वो घर पे जाके अपने वाइफ के साथ ही बुरा, उसका दिन भर का जो बुरा व्यवहार हुआ है वो उसका सब गुस्सा अपने वाइफ पर निकालता, और इससे ही वो उसका इक्विलिब्रियम, रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम, वो क्या कर सकता था, तो खुद को इक्विलिब्रियम, उसको खुद को एक उसका खुद का वो बैलेंस क्रिएट कर सकता था, ऐसा लेखक कहता है. वो भी सही है, अगर आपको मारा पीटा जाए वो जल्दी ठीक हो जाएगा, मगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके प्राइड पे, अगर आपके गर्व पे कोई वाउंड करता है तो वो पूरे दिन तक रहता है. तो राइटर को ऐसा लगता है कि वो एक ही पर्याय था उसके पास कि वो घर पे जाए और उसके वाइफ को मिलने के बाद ही उसको वो खुद को बैलेंस कर सकता था. फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग दैन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर. For there are few things more catching than bad temper and bad manner. ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो हमें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, कैच करती है, उसमें bad temper means गुस्सा होना, okay, ज़्यादा गुस्सा होना, और bad manner, बुरा बर्ताव, ये हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. When Sir Anthony Absolute Bullet, Captain Absolute, अभी एक एग्जाम्पल दिया है, देखो जब Sir Anthony Bullet Absolute क्या करते हैं, ध्वज जमाते हैं, या फिर उस जो कैप्टन बुलेट है उससे खरी खोटी सुनाते हैं. देन द लेटर वेंट आउट एंड बुलेट हिज मैन. फिर कैप्टन एब्सोल्यूट क्या करते हैं, नीचे जाके उसके नीचे काम करने वाला जो फैग नामक इंसान है उसको अपना शिकार बनाता है, उसे वो बुलेट करता है, उसे वो झाप देता है. वेयर अपॉन फैग वेंट आउट डाउन स्टेयर एंड किक द पेज बॉय. फिर फैग क्या करता है, नीचे जाके डाउनस्टेयर नीचे जाके जो पेज बॉय है जो काम करता है ऑफिस में उसे किक करता है, उसे हिट करता है, उसे मारता है जाके. इसका मतलब है कि एक आदमी दूसरे आदमी पे अपना गुस्सा क्या करता है, निकलता है. तो ऐसा हो सकता है कि अगर
वो अगर उसने उस लिफ्ट मैन ने पैसेंजर को बाहर नहीं फेंका होता तो डिफरेंटली वो लिफ्ट मैन ने क्या किया होता, घर पे जाके उसके वाइफ को वाइफ पे अपना उस समय का गुस्सा निकाला होता। तो ये पे सर इक्विल एंथनी इक्विल सर एंथनी एब्सोल्यूट जो है वो खुद का गुस्सा कैप्टन एब्सोल्यूट पे निकालते हैं और कैप्टन एब्सोल्यूट वो फैग पे और फैग जो है वो पेज बॉय पे ऐसा गुस्सा और वो एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते हैं। प्रोबेबली द मैन हु सेड टॉप टू द लिफ्ट मैन वॉज रियली ओनली गेटिंग बैक टू हिज एम्प्लॉयर हु हैड नॉट सेड गुड मॉर्निंग टू हिम बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन हैंडपैक्ड एट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाइफ to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back. अभी देखो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो पैसेंजर था उस लिफ्ट में चढ़ने वाला, उसने टॉप इसलिए कहा होगा उस लिफ्ट मैन को क्योंकि उस पैसेंजर के बॉस ने उसे गुड मॉर्निंग ऐसा रिप्लाई नहीं दिया होगा या कहा नहीं कहा होगा। और उसने उसके बॉस ने गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहा होगा, क्योंकि उसके और उसके वाइफ की कुछ तो भी बातें उनकी कुछ तो भी झगड़ा हुआ होगा ब्रेकफास्ट के वक्त। और ये झगड़ा क्यों होगा, क्योंकि जो उस बॉस के यहाँ पे जो कुक है उसने कुछ तो भी धीड वेरी रूडली उसने बात की होगी उस बॉस के वाइफ से और उस कुक से वो हाउसमेड ने अच्छे से आंसर्स जो चाहिए उसको वो नहीं दिए होंगे, इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसका मतलब है हाउसमेड ने रिप्लाई दिया कुक को और कुक ने भी बैड बिहेव किया इस बॉस के वाइफ के साथ और बॉस ने भी अच्छा सा रिप्लाई नहीं दिया किसे, उस पैसेंजर को। इसकी वजह से पैसेंजर ने अच्छे से रूडली बिहेव किया किसके साथ, लिफ्ट मैन के साथ। वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आवर इल ह्यूमर, हम जो है हमारे जो बीमार ऐसे एक ह्यूमर है उससे हम इस दुनिया को क्या कर रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं। Bad manners probably do more poison the stream of general life than all the crimes in the calendar. ये जो bad manner बुरा बर्ताव जो है वो एक poison का काम करता है किसमें, हमारी ज़िंदगी की जो stream है हमारी जो life है जैसे बहती जाती है उसमें ये बुरा बर्ताव bad manner एक poison की तरह काम करता है। And then the general life, then all the crimes in the calendar. जितने भी crimes होते हैं calendar में उससे कई ज़्यादा crime इन bad manners की वजह से create होते हैं क्योंकि वो poison का काम करते हैं general life में। For one wife who get a black eye from an otherwise good nature husband, there are 100 who lives a life of martyrdom under the shadow of morose temper. मोरोस का मतलब है अनहैप्पी। इसका मतलब यह है कि फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आईज, एक जो औरत है उसको ब्लैक आई, उसका जो आईज है वो काले हो जाते हैं क्योंकि वो अपने गुड नेचर हस्बैंड से क्या करती है तो मार खाती है, उसे उसका हस्बैंड मारता है इसलिए उसकी आंखें क्या हो गई है, काली हो गई है। एंड देयर आर हंड्रेड्स हु लिव्स, ऐसी से भी ज़्यादा औरतें हैं कि वो ऐसी मार्टरडम शहीद जैसी ज़िंदगी उस उनके पतियों के साथ गुजारती है अंडर द शेडो ऑफ मोरोस टेम्पर। कौन से टेम्पर में, अनहैप्पी, मोरोस मीन्स अनहैप्पी, वो अपनी ज़िंदगी अनहैप्पी गुजारती है अपने पति के साथ जो उसे मारता है और उसकी आँखों को काला कर देता है। बट ऑल द सेम लॉ कैन नॉट बिकम द गार्डियन ऑफ आवर प्राइवेट मैनर, बट ऑल द सेम द लॉ कैनॉट बिकम द गार्डियन ऑफ आवर प्राइवेट मैनर, मगर ये कोई भी लॉ ऐसा नहीं है कि जो हमारे प्राइवेट मैनर का गार्डियन बन सकता है। नो डेकलॉग कुड कवर द वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंसेस एंड नो कोर्ट कुड एडमिनिस्टर अ लॉ विच गवर्न अवर सोशल सिविलिटीज़, ऐसा कोई भी नो डेकलॉग, डेकलॉग मीन्स 10 आदेश जो बाइबल के 10 आदेश है ये भी क्या कर नहीं सकते, कवर नहीं कर सकते जो हमारे ऑफेंसेस है, वास्ट एरिया ऑफ जो हम ऑफेंस करते हैं गुनाह करते हैं उसे वो क्या नहीं कर सकते, तो कवर नहीं कर सकते। एंड नो कोर्ट कुड एडमिनिस्टर अ लॉ
विच गवर्न अवर सोशल सिविलिटीज़। और कोई भी कोड ऐसा नहीं है कि जो लॉ बना सकता है किस पर, हमारे सोशल सिविलिटीज़ पे, इट मीन्स हमारे बिहेवियर पे, हमारे चाल चलन पे कोई भी लॉ नहीं बन सकता, कि उसे कोई भी गवर्न नहीं कर सकता हमारे चाल चलन को। अवर स्पीचेस, हम क्या बोलते हैं, द टिल्ट ऑफ अवर आईब्रोज, हम हमारे आईब्रोज कैसे ऊपर नीचे करते हैं, इस पर भी कोई भी गवर्न नहीं कर सकता। एंड ऑल अवर मूड्स एंड मैनर्स, हमारा जो मूड है, हमारा जो मैनर है, हमारा जो वर्तन है, उस पर कोई, उसे कोई भी अच्छी तरह से गवर्न नहीं कर सकता, उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। देखिए अभी आगे का पैराग्राफ में क्या दिया है। But though we are bound to endorse the verdict against the lift man, most people have a certain sympathy with him. अगर हम देखें कि अगर हम सोच रहे हैं कि क्या verdict, उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए उस lift man को, तो बहुत सारे लोग जो है उसके लिए sympathy show करेंगे कि उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। While it is true that, क्यों गलत हुआ है, क्योंकि उसे उसका हर्जाना देना पड़ा उस पैसेंजर को वहाँ से निकालने का, तो हम सोचेंगे कि उसके साथ गलत हुआ है क्योंकि वो जो पैसेंजर है उसने अच्छा बिहेवियर नहीं किया। While it is true that there is no law that compel us to say please, ये भी सही है कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो हमें फोर्स करेगा, हमें बताएगा कि आपने ऑलवेज प्लीज वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। देर इज़ अ सोशल प्रैक्टिस मच ओल्डर एंड मच मोर सेक्रेड देन एनी लॉ विच इंजॉयज अस टू बी सिविल। इसका मतलब है देर इज अ सोशल प्रैक्टिस, कोई एक सोशल प्रैक्टिस है, सामाजिक, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रथा है, रीत है, ये बहुत ओल्डर है और मोर सेक्रेड, और बहुत वो उसे क्या कहते हैं हम, सेक्रेड है, जो दैवीय ऐसे हम कह सकते हैं, देन एनी लॉ, किसी भी लॉ से ज़्यादा वो ओल्डर है, जिसे हम सामाजिक रीत कहते हैं, विच इंजॉयज इंजॉइन अस टू बी सिविल, जो हमें बताते हैं कि हमने नम्र होना चाहिए, हमने विनयशील होना चाहिए। एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज दैट वी शुड अक्नॉलेज अ सर्विस, और हमें पहली रिक्वायरमेंट है किस लिए, सिविलिटी, और उसे हम शिष्टाचारी बनने के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हमने सर्विस को एक्नॉलेज करना चाहिए, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, उसको हमने पहचानना चाहिए, उसको हमने एक्नॉलेज करना चाहिए, उसकी हमने प्रशंसा करनी चाहिए। प्लीज़ एंड थैंक यू आर द स्मॉल चेंज विथ विच वी पे अवर वे एज अ सोशल बींग। प्लीज़, और ये थैंक यू वर्ड है, ये क्या एक स्मॉल चेंज है, टू पे अवर वे एज अ सोशल बींग, एक सोशल बींग है, इसके लिए ये दो वर्ड्स का हमने इस्तेमाल करना चाहिए, और ये चेंज लाता है सोसाइटी में, ये दो वर्ड्स जो है, ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर द लिटल कर्टसियस बाई विच वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्वीटली, ये जो दो वर्ड है वो कर्टसियस है, बहुत ही सभ्य ये वर्ड है, जो हमारे लाइफ का जो मशीन है उसमें ऑयल ऑयल देने का काम ये करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो गाड़ी है, हमारी लाइफ की जो मशीन है, हमारी लाइफ की जो गाड़ी है, वो स्वीटली रन हो सके, तो ये ऑयल का काम करते हैं हमारी ज़िंदगी में, प्लीज़ और थैंक यू जैसे वर्ड्स। दे पुट आवर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ अ फ्रेंडली कोऑपरेशन an easy give and take instead of on the basis of superior dictating to inferiors. They put our intercourse upon the basis of friendly cooperation. ये जो है इस communication करने का काम upon the basis of friendly cooperation, एक friendly cooperation create करने बनाने का काम इस इन words से होता हुआ हम देख सकते हैं। an easy give and take, और ये जो words हम use करेंगे जो कर्टसी भरे हुए हैं, इसकी वजह से हम इजीली गिव एंड टेक, लेन देन कर सकते हैं चीज़ों की, इंस्टेड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर डिक्टेटिंग टू द इंफीरियर, और इससे ऐसा किसकी बजाय कि सुपीरियर डिक्टेट करता है, हुक्म देता है, ऑर्डर करता है उसके इंफीरियर को, इसकी कोई ज़रूरत वहाँ पे नहीं रहेगी अगर हम इन वर्ड्स का, इन चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो। It is a very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for asking and have it with willingness and good feeling instead of resentment.
इससे हमें ये समझता है कि अगर आप किसी से भी आप सर्विस लेना चाहते हैं, ओके, किसी से भी आप सर्विस लेना चाहते हैं, वेयर ही कैन हैव द सर्विस फॉर आस्किंग, पूछने से, कमांड करने से, तो आप ये सोचते हैं कि वो आपको विलिंगलेसली वो दे देगा विदाउट रिसेंटमेंट, अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और वो आपको विदाउट रिसेंटमेंट मीन्स इसका मतलब दिया एंगर, तो ये आप क्या करते हैं, गलत वहाँ पर सोचते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ तक हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग जो है वो हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ, और फिर मिलेंगे हम सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए आपको भूलना नहीं है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा लेसन है, तो फिर मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।